नमस्कार दोस्तों, अमेरिका के पेंटागन ने एक ऐसा रिपोर्ट छापा है जिसे पूरे दुनिया हिल गया है। रूस, चीन और पाकिस्तान सदमे में पहुंच गया, क्योंकि उस रिपोर्ट में भारत, अमेरिका और चीन को लेकर बहुत कुछ कहा गया है। यहां तक कि बताया गया कि किस प्रकार भारत ने केवल 2 साल में चीन का जो बहिष्कार पूरे दुनिया में करवाया है ना, ये अपने आप में बहुत बड़ा कारनामा है। ये काम खुद अकेला अमेरिका भी नहीं कर सकता, लेकिन भारत ने वो काम कर दिखाया है। पूरे दुनिया में चीन को अलग थलग किया है। दोस्तों बहुत कुछ लिखा है, कह सकते हैं कि चाइना आज रो रहा होगा, ये रिपोर्ट सुन के रो रहा होगा, सोच रहा होगा कि आखिरकार मोदी जी क्यों आया, भारत के प्रधानमंत्री क्यों आया। दोस्तों चलिए जानते हैं आखिरकार इस रिपोर्ट में क्या लिखा है और किस प्रकार भारत को आने वाले समय में दुनिया का एक लीडर माना है, ग्लोबल लीडर माना है। चलिए हम लोग शुरू से जानते हैं। देखिए, आप जानते हैं चीन का हमेशा से एक सपना रहा है कि अमेरिका जैसा महाशक्ति बनना है, अमेरिका को उस पद से हटाना है। खासतौर पर जब से जिनपिंग आया तब से केवल एक ही नारा लगाया कि हम जब तक रहेंगे ना तब तक अमेरिका को हटा के फेंक देंगे। यानी कि जिनपिंग का एक ही नारा था, हमें आप केवल 15-20 साल मौका दो, हम अमेरिका को पिछाड़ देंगे, नंबर वन बन जाएंगे। लेकिन दोस्तों सच्चाई में ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिनपिंग केवल अपने देश के वासियों को मूर्ख बनाता है, उसके देश के लोग गधे हैं, क्योंकि दोस्तों कम्युनिज्म में किसी को बोलने का अधिकार तो है नहीं। जो बोलता है जिनपिंग सब उसी में हाँ हाँ मैं हाँ बोलता है और उसके पीछे पीछे दौड़ता है। सच्चाई तो यह है दोस्तों, आज भी सैन्य मुकाबला में अमेरिका और चीन का कोई तुलना ही नहीं है। अमेरिका और चीन का कोई तुलना नहीं है दोस्तों। अमेरिका का आज दुनिया में कितना देश है, दुनिया में कम से कम 195 से अधिक देश है दोस्तों। उसमें से कम 70 देश में अमेरिका का कह सकते हैं कि सैन्य अड्डा है दोस्तों। 195 देश में से 70 देश तो अमेरिका के अंदर है, कह सकते हैं कि वहाँ पे अमेरिका का सैन्य अड्डा है। पता कितना अड्डा है वहाँ पे, कम से कम 800 से अधिक अड्डा है दोस्तों। 70 देश में कम से कम 800 से अधिक सैन्य अड्डा है। इतना ही नहीं, उस सैन्य अड्डा को मेंटेनेंस करने के लिए कह सकते हैं कि अमेरिका हर साल $100 बिलियन खर्च करता है। $100 बिलियन दोस्तों, जितना भारत का रक्षा बजट है ना, उससे कहीं अधिक अमेरिका केवल यहाँ पे सैन्य मेंटेनेंस करता है। कह सकते हैं कि अमेरिका इतना पावरफुल है, 800 से अधिक सैन्य बेस है। कह सकते हैं कि किसी भी कोना से चाहे तो कहीं भी हमला कर सकता है। इतना ही नहीं दोस्तों, बड़े बड़े थिंक टैंक बुद्धिजीवी का यह कहना है कि अमेरिका हो सकता है 300 से लेकर 400 सैन्य बेस पे खतरनाक मिसाइल तैनात किया है और सब पे परमाणु हथियार तैनात किया है। इतना ही नहीं, बहुत कुछ किया है, किसी को पता नहीं है कि आखिरकार अमेरिका कहाँ पे क्या तैनात किया हुआ है। दोस्तों समझ जाइए, मान लीजिए 800 में से अमेरिका अगर 300 पे भी परमाणु तैनात किया होगा ना, तो समझिए कितना खतरनाक बन जाता है। यानी कि अमेरिका और चीन में युद्ध होता है ना, तो चाइना बाय द वे धोखा से अमेरिका पे कोई मिसाइल गिरा भी देता है ना, उसके बाद तो चाइना कहानी खत्म हो जाए। आप कह सकते हैं कि अमेरिका केवल कुछ सेकंडों में 800 अड्डे से चीन के ऊपर आक्रमण कर देगा और चीन का मिट्टी मिला, कह सकते हैं कि दोस्तों तहस नहस कर देगा। ये बात पूरी दुनिया जानता है, इस पर दोस्तों कोई मतलब फेक कोई बात ही नहीं है, गुंजाइश नहीं है, ये सच्चाई है। ठीक है, अब आप पूछेंगे आखिरकार चीन का क्या तुलना है। दोस्तों चीन का कोई तुलना ही नहीं है, चीन का तो केवल एक ही सैन्य बेस है, कह सकते हैं वो है जिबूती में। कहाँ 800 और कहाँ एक, दोस्तों बहुत अंतर है ना। केवल एक ही बेट है जिबूती में, और चीन चाहता था कि हम भी आने वाले समय में कम से कम 30 से लेकर 35 खासतौर पे सैन्य बेस पूरे दुनिया में बनाए, और वो अमेरिका से खतरनाक होगा, वो अपने आप में एक युद्ध का मैदान होगा, उतना खतरनाक बनाए। और चीन को पता था कि हमारे पास एक ही ऑप्शन है, वो पैसा देंगे तमाशा देखेंगे, यानी कि गरीब देशों को फंसाएंगे। हमारे पास फंसा के ही कुछ काम करने का आइडिया, क्योंकि चीन पे कोई भरोसा तो करता नहीं है, इसीलिए हम केवल पैसा दे काम करेंगे। और दोस्तों चीन निकाला OBOR, यानी कि ऑन बेल्ट ऑन रोड, जिसको पैसा चाहिए वो ले लो, अपने देश में विकास करो, विकास करने के बाद में पैसा चुका दो। लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं है। गरीब देश क्या करता है, चीन से तो लोन ले लेता है, लेकिन बाद में लोन दे नहीं पाता है, और बाद में क्या करता है चीन उसका जमीन पे कब्जा करता है, लीज पे लेता है 100 साल के लिए, जिसे श्रीलंका में हुआ है, जैसे मालदीप में हुआ है, और जैसे अफ्रीका में दोस्तों चीन पैर पसार रहा था। कह सकते हैं कि चीन का यही रणनीति है, यानी कि ये कोई लोन नहीं है। पूरे दुनिया आज इसे डेथ वेल के रूप में जाना जाता है, खासतौर पे मौत के कुआं के नाम पे जानता है, सब जानता है कि ये जो लोन लिया चीन से तो समझो अपने पैर में गुलाई मार लिया और उसकी कहानी खत्म है। दोस्तों ये कहानी 2015 से चल रहा है, कह सकते हैं कि उससे पहले से जिनपिंग का प्लान चल रहा था कि किस प्रकार गरीब देश को फंसा के उसका जमीन हड़पेंगे, वहाँ पे सैन्य अड्डा बनाएंगे, और किस प्रकार उस पे लीज पे लेके पूरे दुनिया में तनाशाही करेंगे। दोस्तों यही प्लान से चीन काम कर रहा था, और कम से कम 35 से 40 देश को टारगेट किया था, 35 से 40 देश को किया था, खासतौर पर भारत के पड़ोसियों को किया था, और खासतौर पर आसियान देश को किया था। इतना ही नहीं, अफ्रीका के कुछ देश को किया था। आप पूछेंगे
मिडिल ईस्ट में क्यों नहीं गया? देखिए दोस्तों, मिडिल ईस्ट में खासकर सऊदी अरब अमेरिका का सच्चा मित्र है, उसमें कोई शक नहीं है। और सऊदी अरब का बात दोस्तों सब सुनता है, कम से कम इस्लामिक कंट्री में दोस्तों कितना देश है, इस्लामिक कंट्री में 57 देश है, तो 57 में कम से कम 45 से 50 देश केवल सऊदी अरब के हिसाब से काम करते हैं। सऊदी अरब जो बोल देगा वही होगा, तो सिंपल सी बात है। अमेरिका का सच्चा मित्र कौन है? सऊदी अरब है। तो सिंपल सी बात है, इस्लामिक दुनिया में कम से कम 45 से अधिक देश अमेरिका का मित्र है, इसीलिए चीन का OBOR प्रोजेक्ट मिडिल ईस्ट में जा ही नहीं पाया। इतना ही नहीं, तुर्की भी चीन का दुश्मन है दोस्तों, इसीलिए कह सकते हैं कि मिडिल ईस्ट में कमजोर पड़ गया था। और खासतौर पे चीन चाह रहा था कि आसियान कंट्री को, भारत के पड़ोसियों को, और अफ्रीका में कुछ कुछ देश है जैसे केन्या हो गया दोस्तों, तंजानिया, बहुत सारे देश को फंसा के उस पर अपना सैन्य अड्डा बनाएंगे और अमेरिका और भारत को फ्यूचर में हरा देंगे, युद्ध में हराएंगे, और वहाँ पे अपने आप में दुनिया का एडवांस कह सकते हैं कि 35 से 40 सैन्य खासतौर पर अड्डा बनाएंगे। लेकिन दोस्तों उस पर जो पानी फेरा है ना, उसी पे पेंटागन ने रिपोर्ट छापा है। पेंटागन ने कहा है कि कमाल हो गया, धमाल हो गया, खासतौर पे भारत ने क्या है ना, उसका किसी को उम्मीद नहीं था। पेंटागन ने कहना है कि हमें पता है कि भारत और अमेरिका बहुत मेहनत किया है, जिस प्रकार चीन का जो जाल था, जिस प्रकार से चीन का कर्ज नीति था, उसे पूरे दुनिया में साफ किया है, लोगों तक पहुंचाया है, सब देश तक पहुंचाया है कि आखिरकार ये कर्ज नीति नहीं है, ये मौत का कुआं है। और बड़ी बात तो आज ये है कि दुनिया के कोने कोने में सब जान गया है कि चीन का ये कर्ज नीति बेहद ही खतरनाक है। दोस्तों यहाँ तक कि पेंटागन ये कहा कि आज चीन का जो भी मित्र है ना, जहाँ पे चीन व्यापार करता है, उसे भी संदेह हो रहा है, उसे भी डर लग रहा है, और वो भी चीन से अब दूर होना चाहता है, चीन को किसी भी कीमत पे अपना जमीन देना चाहता है, और लोन चुका के चीन से दोस्ती तोड़ रहा है। क्योंकि ये काम केवल भारत ही ने किया है, और भारत का जो मीडिया है, भारत का जो लोग है, और अमेरिका, सब ने मिलकर किया है। यानी कि चीन का जो सच्चाई था सबके सामने में लाया है, और यही कारण है कि जिस काम को करने में कम से कम 10 साल लगता, वो काम तो भारत ने केवल 2 साल में कर दिखाया है। 2 साल में ही चीन को पूरी दुनिया में एक्सपोज कर दिया है, और ये भारत अमेरिका के लिए बहुत बड़ी जीत है। चीन का अब पैसा कोई काम का नहीं है, चीन किसी को पैसा दे भी ना तो कोई लेता नहीं, बोलता है कि भाई तुम रख लो, ये पैसा लेकर हम क्या करेंगे, हमें मरना है क्या। यानी कि इस तरह का पूरे दुनिया में माहौल बन गया है, चीन किसी को लोन देता है, वो देश उसे थपरा के भगाता है, बोलता है कि तुम जाओ, हमें नहीं लेना है, इस पैसा से हम मर जाएंगे, हमारा जमीन चला जाएगा। दोस्तों इसी पे पेंटागन ने बोला कि ये बहुत बड़ा कमाल बना है, और भारत ने ऐसा कर दिखाया है। भारत की रणनीति आज सचमुच में दुनिया में सबसे बेहतर रणनीति है, मोदी सरकार सचमुच में आज अच्छा काम कर रहा है। और जिस प्रकार डोनाल्ड ट्रंप और मोदी ने चीन को अलग थलग किया था, कुछ दिन ऐसा और रहता तो चीन का खानी खत्म हो जाता। दोस्तों ये बात खासतौर पर पेंटागन ने कहा है और पूरे दुनिया को चौंकाया है। तो आप पूछेंगे आने वाले समय में अब क्या होगा? सिंपल सी बात है दोस्तों, आने वाले समय में जो बटन आएगा, लेकिन एक बात तय है, जो बटन को इतिहास में नाम लिखवाना है तो सबसे दोस्तों डरपोक के नाम में लिखा जाएगा। अगर चीन का साथ देता है तो देखेंगे ऑटोमेटिक 2024 तक चीन अमेरिका को पछाड़ के लगभग लगभग बराबर पे आ जाएगा। और अगर जो बाइडन यहाँ से कुछ करता नहीं है ना, तो पूरे दुनिया उस पर हंसेगा, फ्यूचर में इतिहास में सब उस पर हंसेगा, बोलेगा कि जो बाइडन के काल में ऐसा हुआ था। दोस्तों ये अपने आप में यह एक ऐतिहासिक क्षण है, टेंशन की बात नहीं है। अगर अमेरिका कुछ नहीं करता है चीन को, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अमेरिका का सत्ता खुद जाएगा, कुर्सी छिनाएगा, टेंशन क्या बात का है। एशिया में दोस्तों चाइना और भारत का तो कंपटीशन बना ही रहेगा ना, आने वाले समय में या तो चाइना या फिर भारत ही दुनिया का सुपर पावर बनेगा, ये बात तो पूरी दुनिया जानता है, ये बात 2050-60 में साबित हो भी जाएगा, सिंपल सी बात है। लेकिन अभी अगर जो बाइडन को अमेरिका का पद बचाना है और चीन का औकात दिखाना है, तो चीन पे कड़क होना ही पड़ेगा, और चीन का खासतौर पे दाना पानी बंद करना ही पड़ेगा, आर्थिक रूप से कमजोर करना ही पड़ेगा। नहीं तो सब बोलेगा कि डोनाल्ड ट्रंप देशभक्त था और जो बाइडन देश के लिए बहुत खतरा साबित हुआ।